हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन जी में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मूंगफली को कैसे हम घर पर भूनते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और बिना रेत के और बिना बालू के हम इसको कैसे भूनेंगे, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और जो लोग बादाम नहीं खा सकते वो मूंगफली का सेवन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज और प्रोटीन होता है। तो चलिए इसको बनाने के लिए चलते हैं अपने किचन की ओर। दोस्तों, मूंगफली भुनने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है। ये मैंने 250 ग्राम कच्ची वाली मूंगफली ली है। आप अगर कच्ची मूंगफली से बनाएंगे ना, तो इसकी कीमत जो है बाज़ार की कीमत से बिल्कुल आधी ही होगी। तो हम इसको किस तरह से बना रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास पुराना वाला नमक पड़ा हुआ ना, जो हम बेक वगैरह में करते हैं, जैसे कि केक वगैरह बनाने में, बिस्किट बनाने में यूज़ करते हैं, तो हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी रख सकते हैं, सिर्फ एक मिनट के लिए रखना है हमने। और दोस्तों, हमने बिल्कुल लो टू मीडियम ही फ्लेम को रखना है, ताकि नमक हमारा जो है नीचे से जले ना। अब मैं इसके अंदर मूंगफलियाँ डाल देती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ही मूंगफली डाल रही हूँ। हम इसको हिलाते रहेंगे और 7-8 मिनट लग जाते हैं इसको बनने में। तो इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे। बिना रेत और बालू के हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि नमक से जो है इसका स्वाद भी अच्छा आता है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि रेत जो है हमारे मुँह के अंदर नहीं आती है। तो बस ये हमारी मूंगफली हो चुकी है, इसको 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। आपको पता लग जाएगा कि जैसे ये इसके छिलके सारे उतरने लग जाएंगे ना। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। ये देखिए, हमने एक छलनी ले ली है, तो मैं इसके अंदर इसको डाल लेती हूँ, ताकि हमारा जो नमक है वो नीचे ही आ जाए और मूंगफली जो हमारी छलनी पर आ जाए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं, और ये जो नमक है इसको हम फिर से यूज़ करेंगे, और बाकी की बची मूंगफली हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हिलाते रहेंगे हम, और 7-8 मिनट ही लग जाते हैं बस इसको बनने में, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये लीजिए, हमारी सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने सारी मूंगफलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और अगर हम बाज़ार से इसको लेने जाएंगे तो दुगनी कीमत पर आपको ये मूंगफलियाँ मिलेंगी। तो ये जो हमारे जो छिलके हैं, इसको आप इस तरह से फूंक मारेंगे ना, तो अपने आप ये निकल जाएंगे। पर ये काम आपको बाहर करना है, रसोई के अंदर नहीं करना है। ये देखिए, नीचे सारा गंद हो जाएगा यहाँ पर। तो ये नमक आप ठंडा कर लीजिए और इसको डब्बे में भरकर रख दीजिए, आपके बेक वर्क करने के काम में आ जाएगा। या फिर आप चने भी इसमें भून सकते हैं, या फिर मूंगफलियाँ भी इसमें भून लीजिए। ये देखिए, हमारी मूंगफलियाँ सारी बनकर तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसके छिलके अलग कर सकते हैं, इस तरह से हल्का सा आप इसको हाथों से इस तरह से करेंगे तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी मूंगफलियाँ भुनकर तैयार हो गई है। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा भुनने में। और दोस्तों, अगर आपको मसाला मूंगफली देखनी है तो वो भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, अगर आप वैसे भी बनाएंगे बहुत ही अच्छी लगती हैं वो भी। और जो लोग बादाम नहीं खा सकते हैं वो ये मूंगफलियों का सेवन ज़रूर कीजिए। और पतले लोगों के लिए तो मूंगफलियाँ बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि इसको खाने से वजन भी बढ़ता है। और मोटे लोगों के लिए नहीं है ये मूंगफलियाँ, क्योंकि ये हार्ट की भी प्रॉब्लम करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।